तो पालघर में साधुओं की हत्या का मौन विरोध विश्व हिंदू परिषद आज जताएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विरोध किया है बीजेपी महासचिव राम माधव और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने इस पर समर्थन दिखाया है, समर्थन के पक्ष में वो हैं और इसमें एक ट्वीट भी किया गया है। तो बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद के विरोध का समर्थन किया है। आज विरोध स्वरूप दिया संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने, दो साधुओं की पालघर में जिस तरीके से हत्या हुई उन्हें न्याय दिलाने के स्वरूप में आज किया है। और ऐसे में यहां बीजेपी भी अब इस पक्ष में उतर आई है, जहां पर बीजेपी महासचिव राम माधव और संगठन महासचिव बीएल संतोष दोनों ने ही ट्वीट के माध्यम से अपना समर्थन इस संकल्प को दिलाया है। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं हम, विश्व हिंदू परिषद पालघर में साधुओं की हुई हत्या को लेकर मौन विरोध कर रही है। आज विश्व हिंदू परिषद आज इसे लेकर विरोध जताएगी और इसे लेकर ट्वीट भी किया गया है। राम माधव ने ये ट्वीट किया है और ये पोस्टर भी ट्वीट किया गया है सात्विक प्रोटेस्ट के नाम से, जिसमें सीधे सीधे सपोर्ट में नजर आ रही है बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के इस विरोध संकल्प को लेकर। और इस खबर पर हमारे साथ रविंद्र जुड़ गए हैं। रविंद्र, विश्व हिंदू परिषद का ये बड़ा संकल्प मौन के तौर पर विरोध और न्याय की मांग साधुओं की हत्या को लेकर, इस पर अब बीजेपी का भी समर्थन दिख रहा है। बिल्कुल श्रीन, देखिये जिस तरह से पालघर में दो साधुओं की हत्या हुई, उसके ड्राइवर की हत्या हुई और इसमें कई तरह के जो जी न्यूज ने भी और डीएनए ने भी पूरा खुलासा किया है कि किस तरह से उनकी हत्या हुई, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार इस पर एक तरह से मौन साधे हुए है और इसके भटके हुए लोगों द्वारा एक कृत्य बताया गया है और इसको टालने की कोशिश की गई है वहां के तीनों सत्ताधारी दलों द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में प्रसन्न समाज और विश्व हिंदू परिषद देश भर में इसको प्रोटेस्ट कर रही है, साइलेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि कोरोना कारण लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए सबने एक तरह से कहा जाए तो प्रोटेस्ट इसके विरोध में कि सरकार इसकी जांच कराए, साधुओं की हत्या किसने की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसमें बीजेपी विश्व हिंदू परिषद सभी का समर्थन है, जिस तरह से आपने भी दिखाया कि राम माधव ने भी ट्वीट करके इसका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी की तरफ से भी इसका समर्थन मिला और बीजेपी के नेताओं ने भी कई बार कहा है, आपने देखा होगा कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी हत्या, उन साधुओं की हत्या की बिना दोष देखे हुए, वो निर्दोष थे, उनकी हत्या हुई और एक सामूहिक भीड़ द्वारा की गई। तो कहीं ना कहीं जो एक बात वहां आ रही कि धर्मांतरण का भी चर्चा हुई, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का कहना अभी तो वहां कई सालों से धर्मांतरण हो रहे थे और उन लोगों ने ही साधुओं की हत्या की है और इस पर उद्धव ठाकरे सरकार चुपचाप है, मौन धारण किए हुए, इसलिए इसका प्रोटेस्ट मौन रूप से किया जा रहा है, साइलेंट रूप से किया जा रहा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद संत समाज। बिल्कुल, और रविंद्र, हालांकि बीजेपी इसे लेकर शुरुआत से ही इस पूरे प्रकरण, इस पूरी हत्याकांड के पीछे एक साजिश की जिक्र लगातार करता रहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे कि कोई साजिश नहीं है, जो भी है इस मामले में सही से कार्रवाई लगातार हो भी रही है। और हमारी भी यही कोशिश है रविंद्र, लगातार जी न्यूज भी इस खबर पर नजर बनाए हुए है एक मुहिम के तौर पर, चूंकि साधुओं को न्याय दिलाना है, दो साधुओं की जिस तरीके से हत्या हुई पूरे देश ने देखा और हर कोई चाहता है कि न्याय जल्द से जल्द मिले। बिल्कुल, आप देखिए कि और सबसे ताज्जुब की बात है कि वहां के जो मंत्री हैं एक पूरी लिस्ट जारी करते हैं और एक तरह से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन साधुओं की जो हत्या हुई है इसमें दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चालाकी से एक रणनीति के तहत ये बताने से वो बचते रहे या फिर जानबूझकर उसे झुठलाने की कोशिश की गई कि वहां धर्मांतरण नहीं हुआ है और वो लोग जो धर्मांतरण किए हुए हैं हो सकता है कि उन्होंने हत्या की, वैसा आरोप विश्व हिंदू परिषद के लोग लगाते रहे, उससे बचाने की कोशिश की गई है कि हम इस पाक साफ है, हमारी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस को सस्पेंड किया गया है, लेकिन बात वही है कि साजिश किसने की है, क्यों की गई हत्या, और इस पर सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो मोमबत्ती जलाते थे टीवी चैनलों पर साइलेंट कर लेते थे, वो लोग आज कहाँ है, बड़े बड़े जो फिल्मकार जो है जो प्रोटेस्ट करते थे अपने अवार्ड वापस कर देते थे वो आज साइलेंट क्यों, और इसी कारण से संत समाज पूरे विरोध में है इसके, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी। लगातार जी न्यूज ने इसे लेकर कई खुलासे भी किए, जो खुलासे बताते हैं कि साजिश तो है और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी लगातार राज्य सरकार से होती रही है और आज भी इसी को लेकर ये विरोध स्वरूप वीएचपी का संकल्प। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए बातचीत के। पालघर हत्याकांड पर संतों की कब सुनेगी सरकार, क्योंकि ये सवाल बीते 13 दिनों से लगातार पूछा जा रहा है। संत समाज लगातार
अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। क्या मिशनरी और नक्सलियों को बचाने की है साजिश? क्योंकि पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में संत समाज यही आरोप लगा रहा है। ये तस्वीरें आपको याद है ना, साधुओं की सरेआम हत्या। आपको याद है ना कैसे तालिबानी भीड़ ने निर्दोष साधुओं को मार डाला, कैसे पुलिस केवल मूक दर्शक बनी रही। लेकिन जी न्यूज लगातार इस खबर को कवर करता रहा, लगातार ग्राउंड जीरो से एक के बाद एक खुलासे करता रहा। और अब देखिए कि कैसे जी न्यूज उन सवालों को खड़े कर रहा है जो झकझोरने वाले हैं। अब इस मामले में अखिल भारतीय संत समाज ने संतों की हत्या में मिशनरी और नक्सलियों के गठजोड़ का आरोप लगाया है। संत समाज के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने पीटर डेमिलो पर संतों की हत्या के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर पीटर डेमिलो पर संतों के हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया है। हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासन काल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले रविवार को संत समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पालघर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। चिट्ठी में नक्सलियों और मिशनरी के संबंधों की बात लिखी गई है। संत समाज ने कहा था कि उसे महाराष्ट्र सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस को करीब 300 से ज्यादा आरोपियों की तलाश है और ड्रोन की मदद से जंगल में छिपे आरोपियों की तलाशी ली जा रही है। सीआईडी लगातार सीसीटीवी और चश्मदीदों की मदद से जांच में जुटी है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, जबकि आज विश्व हिंदू परिषद मौन रखकर विरोध जताएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि इस घटना के 13 दिन हो चुके हैं, संत समाज दुखी है। आखिर गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? क्योंकि इस मामले में जी न्यूज ने लगातार पड़ताल की है और जो बातें सामने आई है उससे तो यही लगता है कि ये हत्या एक साजिश थी। पालघर मामले में जी न्यूज की पड़ताल में कुछ और बातें भी सामने आई है। पालघर में संतों की हत्या की बड़ी साजिश रची गई थी और मॉब लिंचिंग को संतों की हत्या का हथियार बनाया गया था। संतों की हत्या से पहले भारी भीड़ जुटाई गई थी और लगातार हत्या के असली गुनहगारों को बचाने की साजिश की जा रही है। पालघर मिशनरी और नक्सलियों का गढ़ बन गया है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण गैंग काम कर रही है। पुलिस ने संतों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और अफवाह के नाम पर सच छिपाने की कोशिश अब हो रही है। लेकिन जी न्यूज लगातार इस खबर को कवर करता रहेगा और इस खबर से जुड़ी हर सच्चाई को आपके सामने लाता रहेगा। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।